अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आपको विजिट करवा रहे हैं पाँच मरला घर DHA Phase 9 में। ये घर लोकेटेड है, ये इसके फ्रंट एलिवेशन का व्यू है, ये इसकी राइट साइड गली का व्यू है। आप देख सकते हैं 12 ब्लॉक में ये घर लोकेटेड है। 30 फीट रोड पे ये घर मौजूद है और इस गली की बिल्कुल बैक पे मेन रोड है, यानी कि मेन रोड के बिल्कुल नियर टू इसकी लोकेशन है। ये इसके फ्रंट एलिवेशन का व्यू है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन किया गया है। इसमें ग्रे कलर में रॉकवॉल किया गया है। ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये बालकोनी दी गई है, प्लांट यहाँ अपने स्टॉल है। इसके साथ आप देख सकते हैं ये स्टोन वर्क हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। और इसके साथ आप देख सकते हैं ये कॉर्नर विंडो दी गई है, ये विंडो फर्स्ट फ्लोर पे इसके बेडरूम की विंडो है। और इसके साथ ये जो स्पेस दी गई है, ये इस बेडरूम के वॉशरूम की स्पेस है अंदर से, यानी कि इस तरह इसका फर्स्ट फ्लोर की फ्रंट साइड डिज़ाइन की गई है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू है। ये इसकी फ्रंट मेन वॉल डिज़ाइन की गई है, इसमें आप देख सकते हैं स्टोन वर्क हुआ है, ये रॉकवॉल किया गया है, ये इसमें आउटर लॉन दिया गया है। ये इसके मेन डोर का डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में इसे पेंट किया गया, आयरन रोड में इसे तैयार किया गया, मेटल आयरन मेटल में इसे तैयार किया गया। ये इसमें रैंप का व्यू है और ये इसके फ्रंट एलिवेशन का क्लोज व्यू है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसे डिज़ाइन किया गया। अभी हम इसका गैराज विजिट कर लेते हैं। ये इसके गैराज का व्यू है, गैराज में आप देख सकते हैं आपकी एक बड़ी गाड़ी यहाँ इजिली पार्क हो सकती है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन यहाँ पर इंस्टॉल है, ये इसमें मेन डोर दिया गया, ये बिल्कुल सामने मेन डोर दिया गया। और ये इसके फ्रंट वॉल पे आप देख सकते हैं ये स्टोन वर्क हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ये ग्लोब यहाँ पे इंस्टॉल है, ये सीनरी यहाँ पे ये आयत देखी गई है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। और ये इसके इंटरेस्ट के साथ लेफ्ट साइड पे 3 फीट गली दी गई है वेंटिलेशन के लिए, उसी साइज में गली इस घर की बैक साइड पर दी गई है। ये इसके गैराज का कम्प्लीट व्यू है, ये सीलिंग डिज़ाइन है इसका। और ये इंटरेस्ट के साथ राइट साइड पे इसके फ्रंट ओपन स्पेस दी गई है, ये आप देख सकते हैं प्लांट यहाँ पर स्टॉल है, ये वाटर यूनिट दिया गया, ये विंडो दी गई है जो लिविंग एरिया की विंडो है। और ये इसके लिविंग एरिया का व्यू है विंडो से, और आप देख सकते हैं काफी वाइडर स्पेस है इस विंडो की। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम की विंडो है, इस तरह से डिजाइन किया गया। ये इसके गैराज का व्यू है, ये इसमें मेन डोर दिया गया, ये मेन डोर से हम इंटर होंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसके मेन डोर का डिजाइन है। ये इसके लिविंग एरिया का व्यू है, आप देख सकते हैं ये फ्रंट पे ये फायर प्लॉस और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रंट पे ये फायर प्लेस दी गई है, वुडन वर्क हुआ है, इसमें ग्लोब यहाँ पे इंस्टॉल है। ये इसमें लिविंग एरिया का व्यू है, ये आप देख सकते हैं पांच मरला घर को बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया। ये स्टेज दी गई है, ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच कर रही है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, खूबसूरत शैंडल यहाँ पे इंस्टॉल है, फैन यहाँ पे इंस्टॉल है। ये मेन डोर के साथ पाउडर रूम दिया गया और बिल्कुल सामने ये किचन स्पेस है, और इसके साथ ये एक बेडरूम दिया गया। इस तरह इसका ग्राउंड फ्लोर डिज़ाइन किया गया, ये किचन स्पेस है और ये बेडरूम दिया गया। और ये इस लिविंग एरिया का व्यू है दूसरी साइड से, ये आप देख सकते हैं। ये स्टेज के साथ पाउडर रूम दिया गया, ये हम लास्ट में विजिट कर लेंगे। ये इसमें किचन स्पेस है, ये किचन हम विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये कवर्ड स्पेस दी गई यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत ये वुडन डिज़ाइन में इसमें शीट वर्क हुआ है, बर्नर हुड सिंक यहाँ पे इंस्टॉल है, ये विंडो इसकी साइड 3 फीट गली की तरफ ओपन हो रही है। ये इसका सेलिंग डिज़ाइन है, फैन यहाँ पे इंस्टॉल है, एग्जास्ट यहाँ पे इंस्टॉल है। नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं ये 2x2 की टाइल यूज़ की गई है, मास्टर साइज में ये किचन स्पेस दी गई है। ये इस किचन का व्यू है कम्प्लीट, माइक्रो ओवन यहाँ पे इंस्टॉल है। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में, इसके साथ ये बेडरूम दिया गया, बेडरूम हम विजिट कर लेते हैं। ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई है जो इसकी बैक 3 फीट गली की तरफ ओपन हो रही है, आप देख सकते हैं ये विंडो के सामने बिल्कुल ये वॉल को डिज़ाइन किया गया, स्टोन वर्क हुआ है, इसमें आर्टिफिशियल ग्लास यूज़ किया गया। ये इसमें बेड साइड वॉल डिज़ाइन की गई, वुडन वर्क हुआ है, इसमें ग्लोब यहाँ पे इंस्टॉल है। नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं वुडन डिज़ाइन में कंप्लीट टाइल यूज़ की गई। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन यहाँ पे इंस्टॉल है, ये इससे बेडरूम का व्यू है कम्प्लीट। ये इसमें वॉशरूम का व्यू है, ये बेड साइड वॉल के सामने LED यूनिट दिया गया, ये इसमें वॉशरूम का व्यू है, आप देख सकते हैं ये मास्टर साइज में वॉशरूम डिज़ाइन किया गया। शावर स्पेस को ग्लास कैबिन से प्रॉपर सेपरेट किया गया, ये बिल्कुल सामने कंसील कमोड में अपन स्टोर है। ये इसमें वैनिटी का व्यू है, ये आप देख सकते हैं राउंड शेप में मिरर इसमें यूज किया गया, ये विंडो की बैक 3 फीट गली की तरफ ओपन हो रही है। ये नशिस्त दी गई है यहाँ पे, ये इस वॉशरूम का व्यू है दूसरी साइड से। ये कवर स्पेस दी गई यहाँ पे, ये हम वापस आ गए इसके बेडरूम में। ये इसके बेडरूम का व्यू है कंप्लीट, ये इसका सीलिंग डिजाइन,
ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए मेरा लिविंग एरिया में, ये बेडरूम दिया गया, नीचे किचन स्पेस है, ये स्टेयर्स दी गई और ये पाउडर रूम दिया गया, ये इसका लिविंग एरिया। यानी कि इस तरह इसका ये ग्राउंड फ्लोर डिज़ाइन किया गया। ये पाउडर रूम हम अभी विजिट कर लेते हैं। इससे पहले अगेन ये इसके लिविंग एरिया का व्यू है कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर का। ये पाउडर रूम का व्यू है, ये आप देख सकते हैं। सिंक, कंसील, कमोड यहाँ पे इंस्टॉल है। ये विंडो दी गई, इसकी साइड मिरर की तरफ ओपन होगी, निशिस दी गई, ये इलेक्ट्रिक मिरर यहाँ पे इंस्टॉल है। ये स्टेयर्स दी गई हैं। अभी हम इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं स्टेयर स्टेप पे ये जेट ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया। ये वुडन बॉर्डर में स्टेयर्स दी गए, ग्लास इसमें यूज किया गया। ये हम ऊपर आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे इसके लिविंग एरिया में। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका लिविंग एरिया डिज़ाइन किया गया। ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई और इसके साथ ये वॉल डिज़ाइन की गई है, आर्टिफिशियल ग्लास और स्टोन वर्क हुआ है इसमें। प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल है। ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी गई है जो इसकी छत की तरफ ओपन हो रही है। खूबसूरत रूम यहाँ पे इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। फैन यहाँ पे इंस्टॉल है नीचे ग्राउंड पर, आप देख सकते हैं 2x2 की टाइल यूज़ की गई। ये इसमें मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई। ये स्टेयर्स के साथ ऊपर आते हैं, ये फ्रंट साइड का बेडरूम है इस तरह, और ये लिविंग एरिया और लेफ्ट साइड पे ये बेडरूम दिया गया और इसके साथ ये स्टोर रूम दिया गया। ये स्टोर रूम का व्यू है और ये इसमें बेडरूम डिजाइन किया गया लेफ्ट साइड पे। ये प्लॉट की बैक साइड पे, ये घर की बैक साइड पे ये बेडरूम डिजाइन किया गया। जो इसकी ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई है जो इसकी बैक थी, फिर घर की तरफ ओपन हो रही है वेंटिलेशन के लिए। नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं वुडन डिजाइन में कंप्लीट टाइल वर्क हुआ है। ये इसमें बेड साइड वॉल डिजाइन की गई है, मोल्डिंग वर्क हुआ है इसमें। ग्लोब यहाँ पे इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिजाइन है। फैन यहाँ पे इंस्टॉल है। ये इसमें वॉशरूम का व्यू है, ये आप देख सकते हैं मास्टर साइज में ये वॉशरूम डिजाइन किया गया। नीचे ग्राउंड पे कंप्लीट टाइल वर्क हुआ है, कंसील कमोड यहाँ पे इंस्टॉल है, बिल्कुल सामने निशिस दी गई है, प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल है। ये विंडो इसकी बैक थ्री फिट गली की तरफ ओपन हो रही है। आप देख सकते हैं शावर स्पेस को ग्लास कैबिन से प्रॉपर सेपरेट किया गया। ये इसका सीलिंग डिजाइन है, इलेक्ट्रिक मिरर, सिंक यहाँ पे इंस्टॉल है। ये कवर स्पेस दी गई है यहाँ पे। ये इस वॉशरूम का व्यू है कंप्लीट। ये हम वापस आ गए बेडरूम में। ये इस बेडरूम का कंप्लीट व्यू है। ये इसका सीलिंग डिजाइन, नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में। ये बेडरूम हम विजिट कर चुके हैं, इसके साथ स्टोर रूम है ये हम विजिट कर चुके हैं। अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं और स्टेयर्स के साथ ऊपर आती है राइट साइड पे ये फ्रंट एलिवेशन वाली साइड का बेडरूम दिया गया। ये इस बेडरूम का व्यू है, ये बेड साइड वॉल डिज़ाइन की गई है इसमें, मोल्डिंग वर्क हुआ है, ग्लोब यहाँ पे इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन यहाँ पे इंस्टॉल है, बिल्कुल सामने ये विंडो दी गई जो सामने से इसके फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है। नीचे ग्राउंड पर आप देख सकते हैं ये 2x2 की टाइल यूज़ की गई है और ये आप देख सकते हैं ये एक छोटा टेरेस आप कह सकते हैं या बालकोनी इसकी डिज़ाइन की गई है जो इसके फ्रंट एलिवेशन की खूबसूरती में इजाफा कर रही है। और ये डबल विंडो दी गई है, यानी कि सामने से आप स्ट्रीट व्यू ले सकते हैं और ये लेफ्ट साइड पे भी स्पेस दी गई इस तरह की। ये इस बेडरूम का व्यू है कंप्लीट। ये विंडो दी गई है जो सामने से फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है। ये इसकी बेड साइड वॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है और ये इसमें वॉशरूम दिया गया। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग में टाइल वर्क हुआ है। ये कवर स्पेस दी गई है यहाँ पे, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। शावर सेट एग्जास्ट यहाँ पे इंस्टॉल है, ये राउंड शेप में मिरर दिया गया। ये वैनिटी का व्यू है, कंसील कमोड यहाँ पे इंस्टॉल है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसे डिज़ाइन किया गया। ये कवर स्पेस दी गई है यहाँ। ये हम वापस आ गए हैं इसके बेडरूम में। ये इसके बेडरूम का व्यू है कम्प्लीट। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में। ये स्टेयर्स के साथ ऊपर आती है राइट साइड पे ये फ्रंट साइड का एक बेडरूम दिया गया, ये इसका लिविंग एरिया है और ये लेफ्ट साइड पे एक बेडरूम दिया गया इसके साथ स्टोर रूम है। इस तरह ये फर्स्ट फ्लोर हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं। अभी हम इसकी छत रूम विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये विंडो दी गई है, हाइटेड विंडो दी गई है। ये विंडो इसकी साइड 3 फिट गले की तरफ ओपन हो रही है वेंटिलेशन के लिए। ये इसकी ममटी का व्यू है, ये ममटी में विंडो दी गई है। इसकी छत का मेन डोर है, कंप्लीट यहाँ पे टाइल वर्क हुआ है। ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी गई है जो फर्स्ट फ्लोर पे, ये इसकी छत की तरफ ओपन हो रही है इस तरह। ये इसकी छत का व्यू है,
ये आप देख सकते हैं मेन रोड के बिल्कुल नियर टू इस घर की लोकेशन है। 275 इस घर की डिमांड है। जो दोस्त क्लाइंट इसमें इंटरेस्टेड है, हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हमें इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।